Now, next topic. Our next topic is a new place, एक नई जगह. It was a summer afternoon. Summer का time था और afternoon था, यानी कि दिन का समय था, ठीक है? Jethriya was feeling faint in the hot sun and wind. Jethriya को ऐसा लग रहा था जैसे वो faint हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा. क्यों? क्योंकि बहुत तेज धूप थी और बहुत तेज गर्म हवा चल रही थी. His feet was burning on the coal tar of the pakka road. और उसके जो पैर थे वो कोल तार में, यानी कि कोयले की तार में क्या हो रहे थे? जो आपने कोल तार देखी होगी जो पक्की रोड में लगी होती है, आपकी जो डामर वाली जो रोड होती है, ठीक है, उसमें जो लगी होती है, तो उसे ऐसा लग रहा था कि इसमें उसके पैर जल जाएंगे. There wasn't a single tree to offer some shade. और वहां पर कोई भी आसपास एक पेड़ नहीं था जहां पर जिसकी छाया में वो बैठ सके और उसे थोड़ा सा कूल फीलिंग हो सके. यानी कि जैसे आप पेड़ के नीचे बैठते हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है, यू फील गुड. तो वहां पर ऐसा कोई पेड़ नहीं था जहां जिसकी शेड में वो बैठ सके. जस्ट अ फ्यू हाउसेज एंड शॉप्स, वहां पर कुछ घर और कुछ दुकानें थी. Jethriya was on his way after buying medicine. और Jethriya रास्ते में था और after buying medicine उसने कुछ दवाइयाँ खरीदी थी और दवाइयाँ खरीद के वो रास्ते में चल रहा था. He had an old tires on his back. और उसके बैक में, यानी कि उसके बैक साइड में पुराने कुछ टायर्स रखे हुए थे. These days he had to light his stuff with just these rubber pieces of old tires. इन दिनों वो क्या कर रहा था? जितने भी रबर के उसे टायर्स मिला करते थे, टायर पीसेस, पुराने टायर के पीसेस मिला करते थे, उन्हें वो कलेक्ट कर लेता था और उनसे क्या करता था, फिर वो उनको जलाया करता था, जिससे वो अपना स्टोव का काम किया करता था. यानी कि स्टोव मतलब चूल्हा, उनसे उससे जलाता था. These caught fire fast. और वो रबर के टायर क्यों जलाया करता था? क्योंकि रबर के टायर से जो आग है, ठीक है, वो बहुत जल्दी जल जाती है. एंड ऑल्सो सेव सम फायरवुड, और जिससे कि कुछ लकड़ियां भी उसकी क्या हो जाती थी, सेव हो जाती थी, जो बाद में उसके यूज में आ जाती थी. कैसे? कभी अगर उसे टायर नहीं मिलते थे तो वो उन फायरवुड को यूज कर लिया करता था. बट द स्मोक एंड स्मेल ऑफ बर्निंग टायर वर टेरिबल. अब फायरवुड को बचाने के चक्कर में वो क्या करता था, जितने भी ओल्ड टायर्स उसे मिलते थे उसे वो जला लिया करता था और उससे ही अपना वो खाना बनाता था. फिर उसी के ऊपर अपना वो स्टोव की तरह यूज करके खाना बनाया करता था. लेकिन जो टायर की स्मोक होती थी, यानी कि धुआं होता था, और जो स्मेल आती थी टायर के जलने की, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती थी. इन दिस न्यू सिंदूरी विलेज दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग. और जिस गांव में वो आया था उस गांव का नाम क्या था? सिंदूरी विलेज. पहले वो कहाँ रहता था? सबसे पहले वो रहता था खेदी विलेज में, ठीक है, जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से वो दूसरे गांव में शिफ्ट हो गया था. और दूसरा गांव कौन सा था? सिंदूरी विलेज, ठीक है. अब वो सिंदूरी गांव में आया था जो कि उसके लिए नया था, और यहाँ पर उसे हर चीज़ के लिए पैसे देने पड़ते थे, जैसे कि दवाइयों के लिए, खाने के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, फायरवुड के लिए, एंड फूडर फॉर द एनिमल्स, और एनिमल्स को खाना खिलाने के लिए हर चीज के लिए उन्हें पैसा देना पड़ता था. दे कुड जस्ट नॉट अफोर्ड टू बाय केरोसिन. और उनके पास इतना मतलब पैसा नहीं होता था कि वो क्या कर सके, केरोसिन तेल, ऑयल खरीद सके जिससे वो अपना स्टोव जला सके. बट फ्रॉम वेयर टू गेट द मनी फॉर ऑल दिस. और इन सारी ही चीजों के लिए भी उन्हें पैसा ही चाहिए था, और ये सारी चीजों के लिए पैसा आता कहाँ से, ठीक है. सो
थिंकिंग ऑफ ऑल दिस जैत्रिया रीच्ड होम, और ये सारी ही बातें सोचते सोचते जैत्रिया अपने घर पहुंच जाता है। द रूफ मेड ऑफ अ टिन शीट मेड द हाउस हॉट लाइक एन ओवन। अब वो बताते हैं, अब वो सोच रहे हैं कि मतलब जो उनका घर है, ठीक है, उनका घर कैसा बना हुआ था, जो उनके घर की जो रूफ थी यानी कि जो छत थी वो किससे बनी हुई थी, टिन की शीट से बनी हुई थी। आपने देखा होगा अभी भी बहुत सारे घरों में टिन लगी होती है, ठीक है, तो वैसे ही टिन की शीट लगी हुई होती है। और जो टिन होता है ना वो बहुत ज्यादा हॉट होता है, गर्म होता है, यानी कि वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वो बताते हैं कि जो उनके छत थी वो टिन की शीट से बनी हुई थी, जो इतनी गर्म हो जाती थी ऐसा लगता था कि जैसे कि ओवन होगा, ठीक है। जेत्रिया's वाइफ हैड हाई फीवर, और जेत्रिया की वाइफ को भी बहुत तेज बुखार था, फीवर था। His daughter Chimley was rocking her little brother Sidhya to sleep in her lap. अब चिमली जो उनकी बेटी है वो क्या कर रही है, अपने छोटे भाई को जिसका नाम क्या है सिदिया, उसे अपनी लैप अपनी गोदी में सुला रही है। After all there was no other older man with them, क्योंकि उनके साथ और कोई बड़ा है नहीं उनके घर में, ठीक है, जो हर चीज देख सके, इसीलिए अब उनके फादर ही सबको संभालते हैं। तो क्या था कि जिमली भी अब थोड़ा यंग हो चुकी थी तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी घर की, तो अपने भाई को वो सुला रही है। जेत्रिया's parents had been so sad about leaving Kheri that they had died before he moved here. अब जेत्रिया के जो पेरेंट्स थे वो ये न्यूज सुनकर कि उन्हें खेदी गांव छोड़कर दूसरे गांव जाना है, ये न्यूज सुनते ही वो क्या हो चुके थे, मतलब जब वो दूसरे गांव जाने वाले थे उससे पहले ही जेत्रिया के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी। इन सिंदूरी देयर वर ओनली 8-10 फैमिलीज ही कुड कॉल हिज ओन। और सिंदूरी गांव में जब वो शिफ्ट हुए थे तो उस गांव में सिर्फ 8 से 10 फैमिलीज ऐसी थी जो उसकी नोन थी या जिसे वो जानते थे, जैत्रिया और उसकी फैमिली जानते थे। दोज फ्रॉम हिज ओल्ड विलेज, उसके पुराने गांव से आए थे वो लोग। द होल विलेज हैड गॉट स्कैटर्ड एंड पीपल हैड गॉन wherever they had been given land. अब जो खेदी गांव के जितने भी लोग थे उसे उस गांव को छोड़ के दूसरी जगह जाना था, इसलिए हर कोई स्कैटर्ड हो गया था, अलग अलग हो गए थे, जिसको जहां जमीन मिलती वो वहां अपना घर बना लेता, ठीक है। This was not like the new village Jethia had dreamed about. और ये एक ऐसा गांव नहीं था जिसके बारे में जैत्रिया ने अपने सपनों में सोचा था, ठीक है, जैसा जैसे जैत्रिया अपने सपनों में कैसा इमेजिन कर रहा था कि उसे एक ऐसी जगह मिलेगी जहां पर वो बस जाएगा, घूमेगा, सारी फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन ऐसा इस गांव में कुछ नहीं हो रहा था। यहां पर देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली फॉर सम टाइम इन अ डे, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो थी लेकिन सिर्फ कुछ ही समय के लिए। And then the electricity bill had also to be paid. और यहाँ पर electricity का bill भी pay करना पड़ता था। There were taps but no water. यहाँ पर taps तो थे, नल तो थे, लेकिन उन नलों में पानी नहीं था। In the village, Jethia got just one room in a tin shed. इस गांव में, कहाँ, सिंदूरी गांव में, जैत्रिया को सिर्फ एक रूम मिला था, और वो रूम भी कैसा था, जो टिन की शीट से बना हुआ था। इट हैड नो प्लेस टू कीप द एनिमल्स, और उसके अलावा उसके पास कोई जगह नहीं थी जहां पर वो एनिमल्स को रख सके। ही ऑल्सो गॉट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, उसे एक छोटी सी जमीन और मिली थी, बट दैट वॉज नॉट गुड फॉर फार्मिंग, लेकिन वो जो जमीन उसे मिली थी वो फार्मिंग के लिए, खेती बाड़ी के लिए अच्छी नहीं थी। It was full of rocks and stones. वो जगह पूरी किससे भरी हुई थी, रॉक से, पत्थरों से, चट्टानों से और पत्थरों से भरी हुई थी। Still, Jethia and his family worked very hard. लेकिन फिर भी जैत्रिया और उसकी फैमिली ने बहुत ज्यादा मेहनत करी। But they could not grow much on their field. लेकिन उसके बावजूद भी वो उस लैंड में, उस फील्ड में ज्यादा कुछ ग्रो नहीं कर पाए, ज्यादा कुछ फार्मिंग अच्छी खासी नहीं कर पाए।
एंड कुड नॉट मेक इनफ मनी इवन टू बाय सीड्स एंड फर्टिलाइजर। और उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो क्या कर सके, सीड्स या फर्टिलाइजर को खरीद सके। इन खेदी पीपल डिड नॉट फॉल सिक ऑफन, खेदी गांव में तो लोग ज्यादा बीमार भी नहीं पड़ते थे। इफ समवन फेल इल, देयर वर मेनी पीपल हु नो हाउ टू ट्रीट देम विद मेडिसिन मेड फ्रॉम प्लांट्स। और अगर कभी कोई उस गांव में कोई भी पर्सन बीमार हो जाता तो क्या होता, उसे जो ट्रीटमेंट दिया जाता वो प्लांट से बनी हुई दवाइयों का दिया जाता था। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, वो क्या कलेक्ट करते थे, क्या कलेक्ट करते थे, प्लांट्स कलेक्ट किया करते थे फॉरेस्ट से, जिस प्लांट से क्या बनाई जाती थी, मेडिसिन। तो वही प्लांट से मेडिसिन बनाकर उनको दे दी जाती थी और उससे वो ठीक हो जाते थे। पीपल फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग दोज मेडिसिन, उन दवाइयों को लेकर वो ठीक हो जाते। हेयर इन सिंदूरी देयर वॉज अ हॉस्पिटल बट इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइंड डॉक्टर्स। लेकिन इस सिंदूरी गांव में ऐसी कोई दवाइयां तो थी नहीं, यहाँ पर हॉस्पिटल थे लेकिन उन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर का को ढूंढना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था, यानी कि उस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स इजीली नहीं मिलते थे। एंड देयर वर नो मेडिसिन, और यहाँ पर कोई दवाइयां भी नहीं मिलती थी। देयर वॉज अ स्कूल हेयर, यहाँ पर स्कूल तो थे बट द टीचर डिड नॉट केयर मच अबाउट द चिल्ड्रन फ्रॉम केरी विलेज। लेकिन मतलब वहां पर स्कूल्स तो बने थे लेकिन वहां के जो टीचर्स थे वो टीचर क्या किया करते थे, जितने भी खेदी विलेज से, खेदी गांव से जितने भी बच्चे वहां आए थे शिफ्ट होकर सिंदूरी गांव में, वो उन बच्चों की केयर नहीं करते थे और उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया करते थे। दीज चिल्ड्रन फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्टडी इन अ न्यू लैंग्वेज, और टीचर्स जो नई लैंग्वेज में उन्हें पढ़ाते थे वो नहीं, नई लैंग्वेज को, न्यू लैंग्वेज को वो बच्चे नहीं समझ पा रहे थे। द पीपल ऑफ सिंदूरी डिड नॉट वेलकम द न्यू कॉमर्स फ्रॉम खेदी, और जो सिंदूरी गांव के जो लोग थे वो खेदी गांव के लोगों को, मतलब जितने भी नए लोग थे, क्योंकि देखिए खेदी गांव से वो सिंदूरी गांव में जा रहे, नए विलेज में जा रहे हैं, तो उनके लिए हर चीज नई है। तो जो सिंदूरी विलेज के जो लोग थे उन्हें क्या करना चाहिए था, जो लोग उनके गांव में आ रहे हैं उन्हें वेलकम करना चाहिए था या उन्हें समझना चाहिए था या उनकी हेल्प करनी चाहिए थी। लेकिन जितने भी न्यू कॉमर्स, जितने भी नए लोग खेदी गांव से सिंदूरी में जा रहे थे, उन्हें कोई भी सपोर्ट या कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था, कोई भी वेलकम नहीं कर रहा था। दे फाउंड देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग स्ट्रेंज, और वो लोग मान रहे थे कि खेदी गांव के जितने भी लोग हैं उनकी लैंग्वेज भी बहुत अलग है और उनका रहना भी बहुत अलग है, यानी कि वो अलग, बहुत अलग तरीके से लगते हैं या अलग तरीके से रहते हैं, वो हमसे बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है, और हमारे लिए क्या है, वो स्ट्रेंजर है। दे मेड फन ऑफ खेदी पीपल बाय कॉलिंग देम अनवांटेड गेस्ट, और वो लोग क्या करते हैं, सिंदूरी गांव के जितने भी लोग थे वो इन न्यू कॉमर्स का मजाक उड़ाते और इन्हें किस नाम से बुलाते थे, अनवांटेड गेस्ट, यानी कि अनचाहे मेहमान, जो मतलब बिन बुलाए मेहमान। ऐसे गेस्ट आ गए थे जिन्हें सिंदूरी विलेज एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। क्या था, देखिए अब खेदी गांव के जितने भी लोग थे उनकी तो क्या थी, मजबूरी थी, उन्हें वो जगह खाली करनी थी, इसलिए वो सिंदूरी गांव गए थे। लेकिन जो सिंदूरी गांव के जो जितने भी लोग थे उन लोगों ने क्या करना चाहिए था, उन नए कॉमर्स को सपोर्ट करना चाहिए था, हेल्प करना चाहिए था, वेलकम करना चाहिए था, लेकिन कोई भी उन्हें समझ नहीं रहा था, उन्हें वेलकम नहीं कर रहा था, और उल्टा क्या कर रहे थे, वो डिमोरलाइज कर रहे थे, उनकी मजाक उड़ा रहे थे, ठीक है, और उनसे क्या बोल रहे थे, अनवांटेड गेस्ट, यानी कि अनचाहे मेहमान, जिन्हें वो अपने गांव में नहीं चाहते थे और वो फिर भी यहाँ गांव में आ गए हैं। नॉट मच ऑफ वर्ड ही हैड ड्रीम्ड हैड कम ट्रू, जैसा कि मीन्स उन्होंने ड्रीम किया था, जैसा कि उन्होंने सोचा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ या नहीं, मतलब ऐसा कुछ ट्रूली नहीं हुआ था जैसा उन्होंने सोचा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नाउ अवर लास्ट टॉपिक इज सम इयर्स लेटर, कुछ साल बाद, कुछ साल बाद देखिए क्या हुआ।
जैत्रिया स्टेड फॉर अ फ्यू इयर्स इन सिंदूरी। जैत्रिया ऐसे ही हाल में जहाँ पर लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उस हाल में सिंदूरी में सिंदूरी गांव में वो काफ़ी इयर्स तक वहीं पर उन्होंने सर्वाइव किया, वहीं पर रहे। द चिल्ड्रन वर ऑल्सो गेटिंग ओल्डर और अब जो उनके बच्चे थे वो भी बड़े होते जा रहे थे। बट जैत्रियाज हार्ट वॉज नॉट हेयर इन सिंदूरी। लेकिन इतने साल हो जाने के बाद भी जैत्रिया का जो मन था वो वहाँ नहीं लग रहा था, ठीक है, वो सिंदूरी में खुश नहीं थे। ही स्टिल मिस्ड हिज ओल्ड खेदी, और वो आज भी अपने खेदी गांव को बहुत ज़्यादा मिस करते थे, याद करते थे। बट देयर वॉज नो खेदी नाउ, लेकिन अब कोई भी खेदी गांव नहीं बचा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डैम्स बन चुके थे। देयर वॉज अ बिग डैम एंड अ बिग लेक ऑफ कलेक्टेड वाटर इन। अब वहाँ पर एक बड़ा सा डैम बन चुका था और एक ऐसा लेक था वहाँ पर, बड़ा लेक था जहाँ पर पानी इकट्ठा होता था खेती के आसपास। जैत्रिया थॉट इफ वी आर टू बी कॉल्ड अनवांटेड गेस्ट देन एट लीस्ट लेट अस गो टू सम प्लेस वेयर आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। अब जैत्रिया सोचने लगे कि यहाँ पर लोग हमें किस नाम से बुलाते हैं, अनवांटेड गेस्ट, यानी कि यहाँ के लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमसे बात नहीं करते या हमें वेलकम नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पर हमारे सारे सपने पूरे हो सके। जैत्रिया सोल्ड हिज लैंड एंड हिज एनिमल एंड केम टू मुंबई। और एट लास्ट क्या हुआ, जब उनका मन सिंदूरी में नहीं लगा इतने साल रहने के बाद भी, तो उन्होंने एट लास्ट ये माइंड मेकअप किया कि वो एट लास्ट क्या करेंगे, अब इस गांव को छोड़ देंगे और अपने एक ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पर वो अपने सारे सपनों को पूरे कर सके। तो उन्होंने क्या करा, जिस जगह पर वो रह रहे थे उस जमीन को भी उन्होंने बेच दिया और जितने भी एनिमल्स थे उनके पास उन एनिमल्स को भी बेच दिया और एट लास्ट वो कहाँ चले गए, मुंबई चले गए। Here he started a new life with his family. मुंबई में आके उन्होंने एक अपनी नई फैमिली स्टार्ट करी, यानी कि अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करी अपनी फैमिली के साथ। अपनी फैमिली को लेकर वो जा चुके थे तो उन्होंने क्या करी, एक नई लाइफ स्टार्ट करी। His only dream was to send his children to school. उनका सपना सिर्फ क्या था कि वो अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में भेज सके, to give them a better future, a better life. और एक उन्हें अच्छा फ्यूचर दे सके और एक अच्छी लाइफ दे सके। Here too things were not easy. अब मुंबई में आके भी उनकी लाइफ जो थी वो इजी नहीं थी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। But he hoped that things would get better. लेकिन वो इसी उम्मीद पे जीते रहे कि एक दिन उनके साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैत्रिया started saving money to repair his one room shack. अब जैत्रिया क्या करने लगा, अपने मतलब मनी को सेव करने लगा, उसने सेविंग करनी शुरू करी। क्यों? क्योंकि वो जो रूम, जिस रूम एक रूम मिला था उन्हें, जिस रूम पर वो रह रहे थे, वो कुटिया कह सकते हैं, ठीक है, छोटी सी कुटिया कहते हैं उसे, तो उस कुटिया को वो रिपेयर करना चाहता था, उसे अच्छा बनाना चाहता था, जिसके लिए वो सेविंग कर रहा था। His relative would tell him, don't waste money on this. उसके जो relatives थे वो उसे बोलते कि मतलब saving करके तुम अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, या इसे repairing कराने के बारे में जो सोच रहे हो, ऐसा सोच कर तुम अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। Who knows, we may have to move from here too. और कौन जानता है कि हमें इस जगह को छोड़कर भी कहीं और जाना पड़े, क्योंकि देखिए क्या हो रहा था, पहले वो खेती में रह रहे थे, खेती को छोड़ के उन्हें सिंदूरी में जाना पड़ा, फिर सिंदूरी को छोड़ के वो मुंबई आ गए थे। तो अब वो क्या सोचते थे कि कभी भी उन्हें मुंबई छोड़ के भी कहीं और जाना पड़ सकता है। तो ये सोचकर उसके रिलेटिव उसे समझाते कि तुम जो इसे रिपेयर कराने की सोच रहे हो वो मत सोचो, क्योंकि ऐसा करके तुम अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। कौन जानता है कि हमें इस जगह को छोड़कर भी दूसरी जगह जाना पड़े। इन मुंबई देयर इज नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइडर लाइक अस। और इस मुंबई में हम जैसे आउटसाइडर के लिए कोई भी जगह नहीं है, मींस वो आउटसाइडर थे
ठीक है, वो हमेशा से वहां नहीं रहते थे, तो वो अपने आप को आउटसाइडर बता रहे हैं और कहते हैं कि हम जैसे आउटसाइडर के लिए इस मुंबई शहर में कोई भी जगह नहीं है। चैत्य वॉज स्केयर्ड एंड वरिड। अब चैत्य इस बात को सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है और थोड़ा घबरा जाता है। ही थॉट वी लेफ्ट खेती फॉर सिंदूरी। हमने खेती को छोड़ दिया क्यों? सिंदूरी के लिए। वी देन लेफ्ट सिंदूरी फॉर मुंबई। हमने सिंदूरी छोड़ दी क्यों? मुंबई के लिए। इफ वी हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू देन वेयर वी कैन गो। और अगर हमें मुंबई भी छोड़नी पड़ी तो अब हम मुंबई छोड़कर कहाँ जाएंगे? देखिए उनके मन में एक शंका पैदा होने लगी। क्यों? क्योंकि पहले वो खेती में रहते थे, खेती छोड़ के उन्हें सिंदूरी जाना पड़ा, फिर सिंदूरी छोड़ के उन्हें मुंबई आना पड़ा। अब वो सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुंबई से अब किस जगह पर जाएंगे? इन दिस बिग सिटी इज देयर नॉट इवन अ स्मॉल प्लेस फॉर माई फैमिली टू स्टे। क्या इतनी बड़े शहर में कोई भी ऐसी छोटी सी जगह नहीं है जहां पर मैं और मेरी फैमिली स्टे कर सके, रह सके? दे वर आस्किंग द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग, ठीक है। सो दिस इज योर चैप्टर। वॉट वी हैव लर्न, सी लाइक चैत्रियाज फैमिली, थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज कम टू स्टे इन बिग सिटीज फॉर मेनी डिफरेंट रीजन। जैसे कि चैत्र की फैमिली अलग अलग जगहों पर रह रही थी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, ऐसे ही हजारों लोग होते हैं जो मतलब कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से बड़ी बड़ी सिटीज में जाकर रहते हैं। डू यू थिंक देयर लाइफ मे बी बेटर इन इन अ बिग सिटी फ्रॉम वॉट इट वॉज बिफोर? आपको क्या लगता है कि जैसे वो एक गांव से शहर जाते हैं तो क्या उनके लिए हर चीज़ अच्छी हो जाती है, बेटर हो जाती है कंपैरिजन टू द विलेज जहाँ पर वो पहले रहते थे? पहले जगह से उनके लिए नई जगह ज़्यादा बेटर होती है? इमेजिन हाउ दे फील इन अ बिग सिटी। और आप इमेजिन करिए कि वो बड़े शहरों में क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर नाइसली। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन सी द वीडियो अगेन विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर नाइसली एंड क्लियरली। एंड नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।